मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि हमेशा तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। कल क्या हो गया या सालों पहले क्या हुआ था, उन बातों को बार बार मत दोहराओ जो तुम्हें चोट दे, जिनसे तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मेरी सच्ची भक्ति होगी अगर तुम हर दिन अपने आप को कुछ नया सिखाओगे, कुछ खूबसूरत बताओगे, भले ही वो मेरी ही कोई लीला क्यों ना हो, पर अपने आप को हर तरीके से आगे बढ़ाओ, चाहे वो आध्यात्मिक पद हो या वो तुम्हारे कार्य क्षेत्र का पद हो, और फिर जो भी होता है मुझे भी बताओ। मैं इधर से बोलता नहीं तो क्या हुआ, तुम बोलो और तुम्हारे दिल से मेरा जवाब तुम्हें मिलता जाएगा। तुम मुझसे बातें करो, मेरे पास बैठो, भले ही दो मिनट पर बैठो, मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहता है हर दिन। पता है, कभी कभी मुझे मेरे बच्चे पूछ लेते हैं कि बाबा ऐसा क्या, ऐसा क्यों, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन पता है मैं तुम्हारा दर्द हमेशा कम करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास उतना आता है जो तुम झेल पाओ, बाकी तो मैं खड़े होकर डट कर उन कष्टों को सहन करता हूँ, और मैं ये तुम्हें बताकर तुम्हें दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज पर मेरी नजर है, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और ना धीरे धीरे मैं हर तरह से नकारात्मकता को दूर करूंगा। तुम आज से एक वादा करो कि कुछ नया रोज सीखोगे, रोज सुनोगे या रोज पढ़ोगे, और हर दिन कुछ अच्छा करने की कम से कम कोशिश करना। जो कोशिश करता है जीत उसी की होती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं, जब जागो तभी सवेरा, इसलिए सीखने की कोशिश करो। कभी कभी ना जब ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा दर्द होता है, तो समझ लो वो समाप्ति के करीब है, वो दर्द हमेशा के लिए जाने वाला है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ, आधा अधूरा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं शब्दों से भी बात करूँगा, जरूर करूँगा एक दिन, पर याद रखना मैं मूर्ति नहीं, तेरा साईं हूँ, और मैं हकीकत में हूँ। कुछ चीज़ें सुधरेंगी, और कुछ मुझ पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।